बच्चों आज हम एक गतिविधि के माध्यम से सजीव एवं मिर्जू की पहचान करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ सजीव और कुछ निर्जीव के नाम लिख दिया है मैंने। आप सभी को क्या करना है, किसी एक बच्चे को आना है जिसको मैं बुलाऊंगा, वो आके मैं बोलूंगा सजीव तो सजीव पर गोला करना है, मैं बोलूंगा निर्जीव तो निर्जीव पर गोला करना है। तो तैयार हैं आप सभी? हाँ, तो गीता चलो। सजीव पर गोला करो, सजीव पर गोला करना है। हाँ, गीता के लिए ताली हो जाए। चलो बैठ जाओ गीता। अब आए संजलि, चले लो संजलि। चलो आप निर्जू पर गोला करो, निर्जू पर, निर्जू पर करना है। हाँ, संजलि के लिए भी ताली हो जाए। चलो बैठो संजलि। अब आओ काजल। काजल आप सजीव पर गोला करो। हाँ, काजल के लिए ताली। अब बारी है, आ जाओ सलोनी। और सजीव पर गोला कर दो, सजीव पर गोला करना है। देखो सजीव कौन है उसमें। हाँ, ताली हो जाए सलोनी के लिए। तो रागिनी चले और निर्जू पर गोला करेगी रागिनी। हाँ, रागिनी के लिए ताली। हाँ, तो अब बारी है अंगीता की। अंगीता चलेगी और सजीव पर सर्कल करेगी या गोला करेगी। चलो अंगीता, सजीव पर गोला करो। अंगीता के लिए तालियां। मनुष्य क्या है, मनुष्य सजीव होते हैं। चलो अब बारी है दिव्या की, तो दिव्या चलेगी और निर्जू पर गोला करेगी दिव्या। देखो दिव्या उसमें निर्जू कौन है, उस पर गोला करो। हाँ, दिव्या के लिए तालियां हो जाए। साइकिल क्या है, निर्जू है क्यों। तो बच्चों अगली बारी है आदित्य। चलो आदित्य, और निर्जू पर गोला करना है। वो निर्जीव है आदित्य। पेड़ निर्जीव होता है या सजीव होता है? हाँ, डेस्क। ताली हो जाए। और हमारे शुक्ला सर हमारे बीच आ चुके हैं। बच्चों आज हमने सजीव एवं निर्जीव की पहचान वाला खेल खेला है। सजीव किसे कहते हैं, जो क्या हो, खाना खा सके, सांस ले सके, चल फिर सके, बढ़ सके, वृद्धि कर सके और बच्चे पैदा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, सजीव। निर्जीव किसे कहते हैं, जो ये सभी क्रियाएं न कर पाए, जैसे न तो अपने आप चल पाए, न तो अपने आप वो सांस ले पाए, न वो वृद्धि कर सके, न बच्चे पैदा कर पाए,